शिक्षकों के विषय में प्रश्न उठाया कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत बच्चों को जो पढ़ाने की व्यवस्था बनाई गई है, मुझे लगता है कि उनके समय में जो शिक्षा की व्यवस्था थी और आज के समय में जो बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत पठन पाठन की व्यवस्था बनाई गई है, उसमें जमीन आसमान का अंतर। कार्य किए जाते थे, केवल पठन पाठन नहीं होता। जो पूछा उसके ऊपर बताइए। मैं जो पूछा के हिसाब से ये पद सृजित किए गए। आज वर्तमान में जो हमारे पास छात्रों की संख्या है और जो शिक्षकों की संख्या है, जो छात्र और शिक्षक का अनुपात होता है, जो कि प्राइमरी में एक शिक्षक पे 30 बच्चों का होता है और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पे एक शिक्षक का होता है, तो वर्तमान में जो हमारे पास शिक्षक है, हमारे शिक्षा मित्र अनुदेशक और प्राइमरी के हमारे शिक्षक मिलाकर के ये टीटीआर जो हमारा रेशियो है, टीचर का बच्चों का और शिक्षक का रेशियो, इसको हम लोग पूरा करते हैं और वर्तमान में हमारे पास शिक्षक की कोई भी कमी अभी बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत नहीं है।